गलवान घाटी में हुए हमले के बाद और लगातार चीन की नापाक हरकत के बाद देश में चीन और चीनी वस्तुओं को लेकर काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने 59 चीन के ऐप्स को बैन कर दिया है। अकेले सिर्फ टिकटॉक ऐप से चीन को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी चीनी ऐपों को मिलाकर सिर्फ भारत से चाइना को कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। इस वक्त हमारे साथ राजधानी के कुछ युवा मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया। भारत ने जो है 59 चीनी ऐप को जो बैन किया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही साथ चीनी वस्तुओं को भी काफ़ी अगर देखा जाए, अगर राजधानी की भी अगर हम बात करें तो जनता भी चीनी वस्तुओं को खरीदने के लिए मतलब उसके विरोधी है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस प्रकार ने सरकार ने जिस प्रकार से इस पर रोक लगाई, ये बहुत अच्छी बात है और जनता, भारत देश की जनता जागरूक हो गई है, पहले से ही जागरूक है कि ऐसे वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है जिससे दूसरे देश को, हमारे दुश्मन देश को उसका फ़ायदा मिले। लेकिन सरकार जिस प्रकार से एक छोटे छोटे ऐप को बैन करके अगर उससे अगर बताना चाहती है कि चीन को हम कहीं डैमेज कर पाएंगे या चीन को कहीं हम तकलीफ़ दे पाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। अगर चीन को अगर रोकना है या चीन को हमारे उसमें दखल देने से रोकना है, तो हमें सरकार को ऐसा कुछ काम करना चाहिए, ऐसे कुछ कानून बनाने चाहिए जिससे चीनी सामानों का जो उत्पादन है, हमारे यहाँ बिक रहा है, उसको रोक पे लगाने के लिए सरकार को ऐसा कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे ऐप को बैन करने से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी चीज़ सरकार को इस देश के हित में होने वाली है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टिकटॉक जो है बहुचर्चित, युवाओं की अगर हम बात करें तो युवाओं में टिकटॉक को लेकर काफ़ी रुझान देखा गया था, कई सारे लोगों को उससे रोज़गार भी मिला था एक तरीके से हम देखें तो टिकटॉक के बैन होने के बाद कई सारे युवाओं की अगर हम बात करें तो वो नाराज़ है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसे भैया ने कहा कि टिकटॉक को सिर्फ बैन करने से कुछ नहीं होता, बड़ा बड़ा गवर्नमेंट का टेंडर, बड़े बड़े रेलवे के टेंडर चीनी कंपनियों को दिया जा रहा है। अभी भी देखा गया है मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग का बहुत बड़ा, शिवराज सिंह चौहान ने चीनी कंपनी को टेंडर दिया है। ऐसे बड़े बड़े लाखों करोड़ों का टेंडर हमको देना बंद करना होगा। ये छोटे मोटे ऐप बैन करने से कुछ नहीं होता, और भी अगर आपको बैन करना है तो डंपिंग, जो चाइना अपना डंपिंग यार्ड बना लिया इंडिया को, वो डंपिंग में टैक्स लगाना चाहिए 200%, 300%। जो सरकार पेट्रोल पे टैक्स लगा रही है वो उनके प्रोडक्ट में लगाना चाहिए, इससे हमारी आय भी बढ़ेगी और चीनी का प्रोडक्ट जो यूज़ हो रहा है धरल्ले से वो भी रुक जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 59 ऐपों पे भारत ने प्रतिबंध, चीनी ऐपों पे भारत ने प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे चीनी ऐप हैं जिस पर भारत ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो क्या देश की युवा या देश की या प्रदेश की जनता या चाहती है कि चाइना को पूरी तरह से जो है बॉयकॉट कर दिया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अपना भारत है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है चाइना का, तो सबसे पहले हमें ऐप को, तो जो सरकार ने कदम उठाया बैन करने का वो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो यूथ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जैसे कि पबजी गेम, आप सबने सुना ही होगा। तो पबजी गेम जो है टेंसेंट कंपनी है, वो चाइना की ही कंपनी है, तो वो जो गेम बनाया है वो सबसे ज़्यादा भी भारत में युवाओं के बीच में चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़, हमें इस चीज़ को और लगाम लगानी पड़ेगी, और जो 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं तो उनसे बदला लेने का ये खाली ऐप बंद करने से नहीं होगा, हमें और बड़े कदम, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चीनी सामानों का जो विरोध किया जा रहा है या चाइना के सामानों का जो बॉयकॉट किया जा रहा है, उसमें प्रदेश की जनता का कितना सहयोग है? प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है, और ये मांग तो शुरू से उठते आ रही है कि चीनी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, पर सिर्फ चाइना का बहिष्कार कर देना सामान को लेके वो पर्याप्त नहीं है। टेक्नोलॉजी और सामानों को लेके चाइना बहुत सारा निर्भर है भारत देश चाइना के ऊपर में। आप भारत देश में उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को उसे सस्ते दर में जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक उससे पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार संभव नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में पूरे बाज़ार में घिरा हुआ है चाइना, सिर्फ भारत देश में नहीं पूरे विश्व में है। तो आप और कूटनीतिक तौर पर भी उसको घेरने की बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ऐप को बैन लगा देने से चाइना को नुकसान नहीं होने वाला। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भी का। तो ये थे हमारे साथ राजधानी के कुछ युवा जिन्होंने चीनी सामान या चीनी ऐप के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब देखना ये होगा कि बलवान घाटी में हुए शहादत और 20 जवानों की कुर्बानी के बाद केंद्र सरकार किस तरीके से चीन को पूरी तरीके से बॉयकॉट करती है। कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ मैं रिपोर्टर अपूर्वा सिंह।